हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बीए, बीएससी या बीकॉम का प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि बीए, बीएससी या बीकॉम का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको बीए, बीएससी या बीकॉम का प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट पर जाना है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको चेक करना है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर आपको चेक करना है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, जब इंडिया में कोरोना काल चल रहा था तो उस समय क्या हुआ था कि इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी ने जो है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया था। आप ऑनलाइन जाकर के जो है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन अभी जो है कि कुछ यूनिवर्सिटी ने इसको बंद कर दिया है, उसको जो है कि सिर्फ आपको ऑफलाइन बनवाना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि अभी भी यह सुविधा दे रही हैं कि आप ऑनलाइन जाकर के उनके माइग्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है और वहां से आपको जो है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट का ऑप्शन सर्च करना है। अगर आपको मिल जाएगा ऑप्शन तो वहां से जो है कि आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। अगर फ्रेंड्स, आपकी यूनिवर्सिटी जो है कि ऑनलाइन यह सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने कॉलेज जाना है। जी हाँ दोस्तों, जिस भी कॉलेज से आप बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे मिलना और उनको यह बताना है कि सर, हमको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कॉलेज वाले होते हैं उनको पूरा प्रोसेस मालूम होता है, वह आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा कर यूनिवर्सिटी द्वारा दे देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए थोड़ा सा खर्चा लगता है। अगर आपके कॉलेज वाले नहीं मानते हैं, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करिएगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी आपको चल जाना है। जी हाँ दोस्तों, आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर आपको चले जाना है और वहाँ पर कर्मचारियों से मिलना और उनको बताना है कि सर, हमको प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। तो वहाँ पर जो है कि आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट वह लोग बना करके दे देंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा, 300 रुपये, 400 रुपये या 200 रुपये आपका लग सकता है। तो फ्रेंड्स, इतना चार्ज अगर आप देते हैं तो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी द्वारा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है कि आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन जो है कि यह सुविधा उपलब्ध कराई है कि नहीं कराई है। अगर फ्रेंड्स, आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन यह सुविधा उपलब्ध करा दी है, तब आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इसके ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं तो आप जो है कि उसको अटेस्ट जरूर करवा लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं तो उसको आप अपने कॉलेज पर ले जा करके उस पर सिग्नेचर और मोहर जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको अटेस्ट नहीं करवाएंगे तब तक जो है वह कहीं पर भी मान्य नहीं होगी। जहाँ पर भी आप लगाएंगे वह मान्य नहीं करेंगे, तो इसलिए आप अपने कॉलेज पर ले जा करके उसको जो है कि साइन और मोहर जरूर करवा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है कि आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं बड़े आसानी से। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।